नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमें ब्लॉगर को कंपनी में बैलेंस कराना चाहिए, वर्कशॉप भेजना चाहिए या ऑन साइड बैलेंसिंग करानी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं उन भाई लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें कुछ डोनेशन भेजी है। वो हैं AK रावत जी लखनऊ से, वहाँ किसी कंपनी में काम करते हैं, उनको मैं शो नहीं करना चाहता। तो धन्यवाद सर, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्या हम अपने इम्पायलर को या ब्लोअर को वर्कशॉप में बैलेंसिंग के लिए भेजना चाहिए या ऑन साइड बैलेंसिंग करानी चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक इम्पायलर है, ब्लोअर बोल सकते हो इसको, मोटर के साथ हमने इसको निकाल के, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप बाहर बेचते हो तो, क्या क्या इसको आपको निकालना पड़ेगा। कम से कम इसमें 2 से 3 आदमी लगेंगे। चैन पुलिस ऊपर करोगे, बाहर करोगे, पलटोगे, फिर इसको खोलोगे, बाहर निकालोगे, फिर उसका गेट पास बनेगा और वो बाहर जाएगा। वहाँ पे अब बाहर जाने के लिए आपको 4-व्हीलर चाहिए होगा, बाइक पे कोई नहीं लेके जाएगा, 4-व्हीलर लगेगा। फिर वहाँ जाओगे, वो बैलेंस अभी कर रहा है, 2 घंटे बाद कर रहा है, 10 घंटे बाद कर रहा है, कोई पता नहीं है। फिर आप उसको लेके आओगे, आपका चार्ज लगेगा। उसके बाद आप इसको सेम प्रोसीजर में इंस्टॉल करोगे, फिट करोगे, और अगर ना चला मतलब वाइब्रेशन रहा, तब आप पार्टी से कहोगे कि भाई ये चला नहीं, अनबैलेंस है, वाइब्रेशन उतना ही है। भाई जो यूनिट आपने उसको भेजा वो यूनिट में तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो बैलेंस हो गया। लेकिन बाद और जो यूनिट है आपका, और क्या बचता है आपका, मोटर, मोटर के अंदर 2 बैरिंग है, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ये आपका वाइब्रेशन जाएगा नहीं, वाइब्रेशन रहेगा। हाँ, हो सकता है कम हो गया हो लेकिन वाइब्रेशन रहेगा, एबनॉर्मलिटी आपकी रहेगी रहेगी, इसका रीज़न है। जब आपका ये पीक मारेगा तब आपका वाइब्रेशन जनरेट हो जाएगा। इंपेलर बैलेंस है, आपका मोटर का रोटर जो है जो बैरिंग के साथ चल रहा है, बैरिंग में प्रॉब्लम है तो ये अनबैलेंस करेगा। लेकिन सेकंड केस में क्या है, अगर आप ऑन साइड बैलेंसिंग करवा रहे हो, आप कोई इंजीनियर आ रहा है या आप लोग हमें बुलाते हो, तो हमारे पास केस है कि बैरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल जाएगा, ज़्यादा नहीं, और इंपेलर में है, तो हम लोग जो मशीन लगाएंगे यहाँ से आप उठाएंगे हम लोग वाइब्रेशन सेंसर के थ्रू, तो हमें पता है कि हम ख़राब केस में इसको बैलेंस कर रहे हैं, 1, 2, 3 पॉइंट को बैलेंस कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और फिर ये खोलना छोड़ना, लेके जाना दाएं बाएं, वहाँ वहाँ बैलेंस कराना, उससे आप बच जाओगे। साइड पे जैसे आप लोग जाते हैं, अपने मशीन लगाई, वहीं बैलेंस करके दिखा दिया, भाई सेटिस्फाई कर दिया सबको कि साइन करा लिए, भाई देखिए चेक करिए, ओके वो सेटिस्फाई हो गए, ठीक है सर हो गया काम, बैलेंस हो गया। तो कुछ केस हैं जिसमें आप कंपनी में कराइए, क्योंकि आज की डेट में कोई भी मशीन या कोई भी ब्लोअर को आप ज़्यादा लंबा ब्रेकडाउन नहीं ले सकते हो, आपको चलाना पड़े। जैसे मान ली चिमनी है, उसको तो आप ले नहीं सकते हो, पेंट शॉप में है उसको भी आपको ऑन साइड ही करवाना पड़ेगा। तो इस टाइप का है कि ऑन साइड का अपना बेनिफिट है, हम लोग मोस्टली ऑन साइड ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मशीन है 6050 ऑन साइड ब्लोअर बैलेंसिंग मशीन है। अभी हम लोग मुरादाबाद गए थे करके आए ऑन साइड बैलेंसिंग, वहाँ क्या दिक्कत थी, वाइब्रेशन पैड की। तो इस टॉपिक में यही है कि आप ऑन साइड ब्लोअर बैलेंस कराइए, आपका अपना बहुत अच्छा बेनिफिट है, कंपनी अलाउ कर रही है पैसे देने के लिए, आप उनको पेमेंट करिए, ऑन साइड बैलेंस कराइए। अब सेकंड केस में क्या है कि सेम यही केस हम देखते हैं सेकंड केस में। तो स्टार्ट करते केस नंबर 2। केस नंबर 2 में भी सेम वही है, आपने इंपायलर को बाहर भेजा बैलेंसिंग कराने के लिए। और एक चीज़ जो बड़े ब्लो इंपायलर हैं, जैसे मान लीजिए 30,000 CFM है, 50,000 CFM है, उनको आपको निकालना महाभारत है, तो उनको साइड पर ही बैलेंस करना पड़ेगा।
ये केस नंबर टू में है, आपने इंपैलर को बाहर भेज दिया, बैलेंस होके आया, लग गया, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई है, इसका रीज़न है कि ये तो बैलेंस है, क्या आपका बैरिंग ठीक है? बैरिंग नंबर वन, बैरिंग नंबर टू, अलाइनमेंट है, मोटर का बैरिंग है, वाइब्रेशन पैड है, अगर इनमें से भी किसी में कुछ परसेंट दिक्कत होगी तो आपका वाइब्रेशन जनरेट रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। अगर आप बाहर से बैलेंस कराते हो इसको, इंपैलर को। सेकंड केस है, आप ऑन साइड बैलेंसिंग करा रहे हो, मान लीजिए हम आ रहे हैं वहाँ बैलेंस कर रहे हैं, तो हमारे को जो एबनॉर्मलिटी है, ये सारी एबनॉर्मलिटी जो थोड़ी थोड़ी जिन चीज़ की भी है इंपैलर पे मिल जाएगी, हम उसके हिसाब से यहाँ पर वेट को ऐड कर सकते हैं, कितना वेट ऐड करना है, किस एंगल पे वेट ऐड करना है, उसको हम यहाँ कर देंगे, तो आपकी जो ये छोटी मोटी एबनॉर्मलिटी है कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी है, मान लीजिए यहाँ पे स्लीव लूज चल रही है, तो भी यहाँ पे वाइब्रेशन रहेगा। तो हम लोग मेंटेनेंस लाइन की, हमारा 15 साल का एक्सपीरियंस है लाइन का, तो हम लोग मशीन लगा के चेक करते, तो सबसे पहले हम तो ये बैरिंग खोल कर चेक कर लेते हैं कि भाई स्लीव लूज तो नहीं है, क्योंकि कोई भी स्लीव है अगर 2, 4, 6 महीने साल भर चलाओगे तो वो हल्का सा लूज होगा, उसको टाइट करना पड़ता है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, उसको टाइट करना पड़ता है। हो सकता हो कि आप कोई स्लीव ख़राब हो, अब जब खोल कर देखोगे तो बैरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बैरिंग रिप्लेस कर सकते हो। तो ऑन साइड में ये होता है कि हम ऑन साइड में जाके विजुअली देख सकते हैं, हाथ लगा के चेक कर सकते हैं कि भाई बैरिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई कट कट की आवाज़ आ रही है, कोई भी एबनॉर्मलिटी है, तो हम साइड पर जाके देख के बता सकते हैं, प्लस सजेस्ट कर सकते हो भाई इसको चेंज कर दो। अगर आप इस बैरिंग को चेंज कर दोगे तो इसमें वाइब्रेशन और डाउन हो जाएगा। कई केस में हम लोग जाते हैं तो वाइब्रेशन होता है 17 mm/s, जो कि बहुत डेंजर जोन में चल रहा है, 17.5 mm/s चल रहा है, RPM है इसका 1440। अभी कई केस में हम लोग जाते हैं RPM है 2330, वाइब्रेशन है 12.5, ये भी अब नॉर्मल है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो। तो ऑन साइड बैलेंसिंग कराइए, उसके आपको इंपैलर बैलेंस होगा, इसके साथ साथ आपको इन सब चीज़ों में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी पता लग जाएंगी, कि ये जो वाइब्रेशन पैड है ख़राब है कि नहीं है। कई कंपनी हम देखे 20-20 साल से वाइब्रेशन पैड सेम टू सेम रखे हुए चल रहे हैं, जी ठीक है जी ठीक है। अरे भाई, किसी की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, घर में जो हम इलेक्ट्रिकल का स्विच है उसकी भी एक लाइफ है, कि भाई इतने लाख बार आप पुश करोगे चलेगा, उसके बाद ख़राब हो जाएगा। तो ऑन साइड बैलेंसिंग कराइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 9654127134, और आप हमारे चैनल को प्रमोट कर सकते हो, डोनेशन दे सकते हो, इसके लिए हमारा एक पेटीएम नंबर है 9654127134@paytm। आप इस पर कुछ डोनेशन दे सकते हो, जिसके पास दे सकता है, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इंजॉय करिए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और एक चीज़ और भी है कि आप मुझे काम देकर भी मेरे को सपोर्ट कर सकते हो यार, कोई काम है आपके पास तो काम दे दीजिए, उसमें भी हमारा चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।